तो मैं को डिफाइन करते समय अल्फा न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, थ्री डिजिट का, थ्री करेक्टर का अल्फाबेट और न्यूमेरिक आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस नाम का आपका एड्रेस होता है। जैसे राज वन आपने कर दिया तो आप राज वन को ट्रिगर ही नहीं कर पाएंगे यहाँ से। यहाँ अगर आप जाएं मैक्रोज में तो इसको आप रन ही नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि राज वन नाम का ऑलरेडी यहाँ पे रेफरेंस है, एक रेंज है, इसलिए आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप अपने मैक्रो में किसी भी तरह का डॉट डैश इस तरह के स्पेशल करेक्टर आप नहीं लगा सकते। हाँ, आप अंडरस्कोर लगा सकते हो, क्योंकि अंडरस्कोर स्पेशल करेक्टर नहीं होता है, तो अंडरस्कोर आप लगा सकते हो कि राज अंडरस्कोर वन, ये आप कर सकते हो। तो मैक को डिक्लेयर कैसे करना समझ में आ गया? तो एक मान लीजिए मैक्रो का मतलब क्या हुआ कि एक काम के लिए एक मैक्रो, जितने काम उतने मैक्रो। जैसे मान लीजिए ना कि आपको एक फाइल ओपन करवा के उसको कहीं पे सेव करवा के मेल करवाना, ये आपका एक काम हुआ, इस काम के लिए हम एक मैक्रो बनाएंगे। तो जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे वो सब और एंड के बीच में करेंगे, बाहर कर दीजिएगा तो वो आपका एरर हो जाएगा। अब मैक्रो में क्या लिखना है? देखिए, बेसिकली मैक्रो में चार मेन ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है एप्लीकेशन, दूसरा होता है वर्कबुक बुक्स, हाँ, तीसरा होता है शीट्स, और चौथा होता है रेंज। अभी ऑब्जेक्ट क्या है? तो अगर आप इसको ग्रामर से जोड़ के देखें, अगर लैंग्वेज जैसे इंग्लिश वगैरह सीखते हैं तो आप लोग सीखते हैं ना पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब कि एक सेंटेंस में क्या क्या हो सकता है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव, ये होता है ना सर? त्यागी जी, हेलो, विशाल त्यागी जी, हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है। हाँ आ रही है आप? मैं बस बैकग्राउंड शोर आ रहा था, से म्यूट कर दिया था। अगर कुछ बोलना होगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा, आपने नाम के आगे जो ये लगा है ना माइक का सिंबल, उस पे। हाँ, ठीक है ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम अगर हम बात करें पार्ट ऑफ स्पीच का, मान लीजिए कि इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखते हैं राम इज गुड बॉय, तो राम नाउन हो गया, इज एडवर्ब हो गया, गुड बॉय, इस तरह से होता है ना सर सेंटेंस पार्ट ऑफ स्पीच का। उसी तरह से जब एक ऑर्डर आप देते हैं, मतलब एक इंस्ट्रक्शन देते हैं एक्सेल को, कि आपने वो एक्सेल को बोला कि न्यू वर्कबुक क्रिएट करो, तो आपको लिखना होगा वर्कबुक्स डॉट एड। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जैसे कि नाउन होता है, ये हमारा वर्ब हो गया जैसे कि आपके इंग्लिश सेंटेंस में होता है, एड जो हो गया वर्ब हो गया, तो एक सेंटेंस ही पूरा हो गया कि हमने क्या बोला वर्कबुक्स डॉट एड। तो डॉट इज द सेपरेटर बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मेंबर, ये एड मेंबर हो गया। अगर इसको सिंपल भाषा में समझे तो वर्कबुक हो गया लोकेशन और एड हो गया एक्शन, किसमें क्या करना है। आपने ऑर्डर दे दिया कि वर्कबुक में एड करना है, समझ गए? तो इसी तरह से हम ऑर्डर लिखेंगे। तो हम वर्कबुक क्यों चूज किए? क्योंकि हमारा जो ऑर्डर था वो वर्कबुक से रिलेटेड था, मतलब कि हमें वर्कबुक ऐड करवाना था, इसलिए हमने वर्कबुक ऐड करवाया। अगर मुझे सीट ऐड करवाना होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीट्स डॉट ऐड। तो हमने सीट क्यों चूज किया? सीट चूज किया ताकि हमारा सीट को ऐड करना है। और रेंज इसी तरह से, जब रेंज होगा कि मुझे A1 को कॉपी करना है तो रेंज A1 डॉट कॉपी, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे A1 हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक फाइल को सेव करना है, तो फाइल को सेव करने का, सेव एज करने का होता है कि वर्क बुक्स, और इसके अंदर में आपका कि book1.xlsx या xlsm, जो भी आपका एक्सटेंशन हो, डॉट सेव एज, और यहाँ पे आप दोगे अपना पाथ, जो भी पाथ है डी ड्राइव सी ड्राइव जो भी है डालोगे। तो इसमें क्या हो गया? अब ये सेंटेंस देखिए, अभी तो सिंपल सेंटेंस था, ऑब्जेक्ट एंड एक्शन एंड मेंबर, माने कि लोकेशन एंड मेंबर,
ऑब्जेक्ट एंड लोकेशन एंड एक्शन, या फिर इसको कह सकते हैं आप ऑब्जेक्ट, मतलब कि विवीय भाषा में इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट एंड मेंबर, अपनी भाषा में बोलते हैं लोकेशन और एक्शन। तो ये हो गया लोकेशन, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, वर्कबुक ऑब्जेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है कि किसी पर्टिकुलर वर्कबुक का कोई यहाँ पे जिक्र नहीं है, हमें ब्लैंक वर्कबुक लेना है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक पर्टिकुलर वर्कबुक को सेव एज करना है पर्टिकुलर लोकेशन एंड पर्टिकुलर नाम से। तो यहाँ पे हमें देना होगा वर्कबुक, और यहाँ पे मतलब कि ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का यहाँ पे देना होगा पाथ, मतलब कि डिटेल्स या कह लीजिए लोकेशन, और फिर यहाँ पे आपका हो गया मेंबर मतलब कि एक्शन, और यहाँ पे मेंबर डिटेल एंड एक्शन डिटेल। तो बस ये सर जी, हाँ बीच में बोला जस्ट हमने कहा बुक्स ब्रैकेट में बुक वन डॉट xlm, इसमें हमने पास रखेंगे बीच में, नहीं इसमें नहीं रखना है, क्योंकि ये तो ओपन वर्कबुक को सेव एज करेगा ना, हमें पाथ यहाँ देना है। जो ऑब्जेक्ट यहाँ लाइब्रेरी में ओपन है उसका पाथ देने की जरूरत नहीं है। सर जी, बुक वन लिखा है आपने ब्रैकेट में, ये क्या इसका फाइल का नेम है? हाँ, जैसे कि बुक, मैं इस बुक वन या बुक टू फाइल, जो भी फाइल है, उस फाइल को मैं सेव एज करना चाहता हूँ। आप जब भी नई फाइल क्रिएट करते हैं उसको सेव करते हैं ना, तो सेव करते समय आप नाम और लोकेशन वगैरह देते हैं, तो वही है। हाँ, जब वो फाइल क्रिएट होता है तो किसी ना किसी नाम से तो क्रिएट होता ही है ना, जैसे फर्स्ट टाइम फाइल क्रिएट हुआ तो बुक वन से क्रिएट होगा। अच्छा, जो भी उसका नाम होगा बुक वन बुक टू, वो हमें देना है ब्रैकेट के अंदर ना। हाँ, जो भी नाम होगा वो नाम आपको देना है यहाँ पे, और यहाँ पे सेव एज, और किस लोकेशन और किस नाम से देना। जैसे मान लीजिए कि मुझे डी ड्राइव में 2019 फोल्डर के अंदर 123.xls के नाम से सेव करना है, तो आप क्या करेगा कि बुक वन फाइल को डी ड्राइव के 2019 फोल्डर के अंदर 123.xls के नाम से इस फाइल को सेव कर देगा। तो कहने का मतलब है कि हम जो कोई भी कोड लिखेंगे, कोड दो तरह से होगा, एक तो हम ऑब्जेक्ट और मेंबर लिख देंगे, अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात होती है तो हम अब उसके अंदर में ब्रैकेट में देख के वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डालेंगे, चाहे वो वर्कबुक हो या रेंज हो या किसी पर्टिकुलर शीट की बात हो रही हो, कि मुझे शीट वन को रिनेम करना है, तो यहाँ पे हमने कर दिया शीट वन, और हमने दे दिया डॉट नेम इक्वल टू, जो भी नाम देना है दे दीजिए डेटा वगैरह। तो एक किस शीट को रिनेम करेगा, तो करेगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट डिटेल हो गया, ये आपका एक्शन हो गया या मेंबर हो गया, ये आपका मेंबर डिटेल हो गया। अब इसमें देखेंगे सर, मैंने यहाँ पे तो इक्वल नहीं लगाया, बट यहाँ पे इक्वल क्यों लगा? तो जो इसको जो मेंबर होते हैं, वो मेंबर दो तरह का होता है, एक मेथड होता है, एक प्रॉपर्टी होता है। तो मेथड जो होता है वो आपका, उसमें हम उसकी जो एक्शन की डिटेल हम स्पेस डाल के देते हैं, इक्वल नहीं डालते हैं, लेकिन जो मेंबर होता है, सॉरी प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी में हमें इक्वल डालना पड़ता है। अब आपको पता कैसे चलेगा प्रॉपर्टी है? सबसे पहले तो नाम से पता चल जाएगा कि वर्कबुक डॉट नेम, नेम बिलोंग करता है प्रॉपर्टी से, नेम लोकेशन साइज पाथ ये सब क्या करता है, पासवर्ड, ये सब प्रॉपर्टी का पार्ट है, फाइल के प्रॉपर्टी में सेव होता है प्रॉपर्टी का पार्ट, सेव एज कॉपी पेस्ट ओपन ये सब प्रॉपर्टी नहीं है। पहला चीज तो ऐसे नाम से पता चल जाता है आपको, नाम और उसकी उसकी क्या बोलते हैं उसको प्रकृति, वर्किंग प्रोफाइल से पता चल जाएगा आपको। दूसरा, जैसे डॉट डालिएगा आप यहाँ पे, जैसे आप मेंबर अगर आप डॉट डालते हैं तो नीचे सजेशन आता है ना, कोड सजेशन, इसमें देखिए जो ग्रीन कलर के बॉक्सेस है इट्स मेथड, और जिसपे हैंड का निशान बना, देखिए यहाँ भी हैंड का निशान बना ना प्रॉपर्टीज के लिए, तो ये हैंड का निशान आपको क्या है, ये आपका मेंबर है, मेथड है, तो मेथड है तो आएगा। दूसरा चीज है कि जैसे आप स्पेस मारोगे नीचे एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसमें स्पेस मारोगे एक्सप्रेशन नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है, इक्वल डलेगा। सर आपने ये बोलिए जी, सर आपने ये पहले जो पहले ब्रैकेट में लिखा है वहां पे लिखा है xlsm और लास्ट में लिखा है xlsx, हाँ
तो आप डिफरेंट पाथ डिफरेंट फाइल टाइप को डिफरेंट फाइल टाइप में सेव कर सकते हैं, सेम में करना है तो सेम में कर लीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है। जब हम फाइल को सेव एज करते हैं तो अपना टाइप चूज करते हैं ना, ये टाइप है। अच्छा अच्छा यहाँ पे हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं कि कंसेप्ट प्रोग्रामिंग लिखने का कंसेप्ट कैसा है। अब चलिए हम आपको वर्कबुक पे होने वाले कुछ काम के कोड बता देते हैं, ताकि क्योंकि जैसे कि आप शुरुआत में वर्कबुक शीट रेंज के बारे में काम करने के बारे में जान जाएंगे, छोटे मोटे जो काम होते हैं, तो फिर उन सबको मिला के आप एक मैक्रो बना सकते हैं। तो मैं वर्कबुक की बात कर रहा हूँ, मैं एप्लीकेशन छोड़ देता हूँ, एप्लीकेशन थोड़ा सा एडवांस है तो छोड़ देता हूँ, हम इन तीन चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्कबुक के ऊपर। तो वर्कबुक में जैसे कि मान लीजिए कि नई वर्कबुक चाहिए, तो आप लिखो कि workbook.workbooks.add, नई वर्कबुक खोल देगा, मतलब कि वो जाएगा कंट्रोल एन कर देगा, कंट्रोल एन आ गया। ठीक है ठीक है। अब इसमें अब बात करें कि जो फाइल हमने ओपन की है उसको सेव करना है। अब यही पे प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा सेव करने का मेथड कहता है ए होना चाहिए, बट प्रॉब्लम है कि हर बार बुक वन ओपन करेगा इसकी गारंटी तो नहीं ना, वो बुक टू बुक थ्री बुक फाइव भी होगा, अब मुझे नहीं पता है कौन सा ओपन किया, मैं हर बार देख के कोड थोड़ी चेंज करने जाऊंगा। हमें काम क्या करना है, हमें काम करना है कि डी ड्राइव में 123.xls नाम से एक फाइल को सेव करना है, क्रिएट करके नया फाइल, बिल्कुल नई फाइल। तो हमने फाइल तो नई क्रिएट कर ली बट वो सेव नहीं हुआ है, तो सेव करने में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि फाइल का नेम। तो हम वर्कबुक्स को या सीट को या रेंज को हम एक्टिव से जरूर कर सकते हैं, कि एक्टिव वर्क बुक। सर एक्टिव का मतलब है जो हमने रिसेंटली ओपन किया है वो एक्टिव है। हाँ, क्योंकि जब भी हम कंट्रोल एन करते हैं जो फाइल क्रिएट होती है वही हमारा एक्टिवेट होता है। ठीक है ठीक है ना। तो सेम हमने बोला कि जब फाइल एक्टिवेट है तो एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव है, यहाँ पे हमें फिक्स हमारा ये है, ऑब्जेक्ट हमारा फिक्स्ड है एक्टिव वर्कबुक, चाहे वर्कबुक कोई भी एक्टिव क्यों ना हो, लेकिन सीक्वेंस से हम चल रहे हैं क्योंकि वन बाय वन वर्क करता है, तो पहले इसको यूज करेगा फिर इसको यूज करेगा, जब इसको यूज करेगा तो ऑब्वियसली फाइल जो एक्टिव है वही आपका, जो आपका फाइल क्रिएटेड वही आपका एक्टिव होगा, तो ये प्रोग्राम आपका वर्क कर जाएगा। लेकिन फिर भी आप सिक्योर नहीं हो तो आप इसको डायरेक्ट कोड लिख सकते हो इस तरह से, तो आपका फाइल क्रिएट करके सेव करके एक्टिव रखेगा, ये भी फिलहाल ये भी एक्टिव ही रहेगा लेकिन वो उसी फाइल को सेव करेगा जो क्रिएट हुआ है। ठीक है, एक तरीका ये है। इस तरीके से फायदा क्या हुआ कि हमारा दो स्टेप्स बच गया। तो प्रोग्रामिंग करते समय ये भी ध्यान रखना होगा क्योंकि हमारा स्टेप बचे, क्योंकि जितना स्टेप बचेगा उतनी आपकी मैक्रो परफॉर्म अच्छा करेगी और फास्ट करेगी। ठीक है सर। तो फाइल को क्रिएट करना, फाइल को सेव एज करना आ गया आपको। सर मैं एक बार पूछूं, मैंने किया जब पहले ही सेव आए उसको कोड लिखना कैसे पड़ेगा, मैंने लिखा मगर उसने कहा ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है। मैंने क्या सेव किया मतलब समझाने, मतलब मैंने एक्सेल को आपने हुआ क्या कि अगर इस लोकेशन में ऑलरेडी फाइल हमारा एक्टिवेटेड है तो फाइल ओवरराइट करने का ऑप्शन देगा ना आपको, तो नॉर्मल वो भी तो नॉर्मल भी देता है ना सर, ये तो वही काम कर रहा है जो, देखिए वीवीए प्रोग्रामिंग कोई अलग काम नहीं करती, उसी काम को करती है जो काम आप मैनुअल करते हो, ये समझ लीजिए ना कि मैनुअल करते हो वो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और ये आपका करेक्टर यूजर इंटरफेस है। तो अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा है फाइल तो आपको ओवरराइट देगा, खैर तो आप ओवरराइट पे क्लिक कीजिए या फिर इस लोकेशन से फाइल को डिलीट कर दीजिए, या फिर डिलीट करने का कोड ही कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए कि किल और यहाँ पे दे दीजिए कि फाइल डिलीट हो जाए, तो फाइल पहले वाली फाइल को डिलीट करके फिर नया फाइल रखेगा। वही लोकेशन में रखेगा वो, हाँ उसी लोकेशन में रखेगा,
वो पहले चेक करे, वो पहले उस जो पहले से वो फाइल है उसको किल कर देगा, मतलब कि खत्म कर देगा, डिलीट कर देगा। किल कमांड क्या करता है, डिलीट कमांड, किसी भी फोल्डर में से किसी भी पर्टिकुलर फाइल को डिलीट करने का काम करता है किल। ठीक है, बोलिए। ये करंट डेट और टाइम अगर सेव करनी है तो कैसे करेंगे? समझा नहीं क्या बोला, करंट करंट डेट और टाइम से? हाँ, तो फाइल पाथ में फाइल पाथ को बनाना पड़ेगा ना सर। यहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए, चलिए इनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, पहले इस पे आते हैं कि किल क्या करेगा, इसको फिनिश कर लेते हैं। किल क्या करेगा, पहले आपके फाइल को डिलीट कर देगा, लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी फाइल पहले से रिलेटेड हो तो ये एरर देगा आपको, फिर वो सेव नहीं करेगा, यही पे आके रुक जाएगा। तो आप चाहते हो कि अगर किल को बाईपास करे, मतलब कि एरर, अगर किल वाले लाइन में एरर आए तो उसको बाईपास करके आगे बढ़े, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं ऑन किल से ऊपर ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। वो क्या करेगा कि रिज्यूम नेक्स्ट, ये क्या करेगा कि अगर जिस लाइन में इससे नीचे जिस लाइन में अगर एरर आ रहा है उसको बाईपास करके नेक्स्ट चला जाएगा। तो अगर किल में एरर आ रहा है इसका मतलब कि फाइल अवेलेबल है ही नहीं, तो क्या करेगा, इसको बाईपास करके इसको कर देगा। अब बात करते हैं मनीष शुक्ला जी के क्वेश्चन पे कि उनको फाइल सेव करना है करेंट डेट एंड टाइम से। तो देखिए, हम बाकी सब चीज तो सेम लिखेंगे, ये मान लीजिए कि इसको हम सेम लिखेंगे, बट यहां पे आके हम इसको हटा देंगे। अब यहां पे ये जो आपका बीच में हो गया, ये आपका, अब इसके बीच में नाम होना चाहिए डेट एंड टाइम से। अब याद रखिएगा कि आपकी फाइल नेम जो है स्लैश नहीं लेती है सर, याद है आपको सर? अगर फाइल नेम फाइल सेव करते हैं तो यहाँ पे एक दिक्कत आता है, ये भी आप ध्यान रखना होगा कि मान लीजिए कि मैं इस तरह से करूं तो स्लैश आपका फाइल नहीं लेता है, समझ गए? तो डेट में आपको डैश देना पड़ेगा, और बाय डिफॉल्ट डेट में स्लैश होता है ना कि डैश। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास टुडे का फॉर्मूला होता है, टुडे फॉर्मूला क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट देता है, राइट सर? अब इस और नाउ का, सॉरी करेंट डेट एंड टाइम चाहिए ना आपको, तो यहाँ पे नाउ का फॉर्मूला होता है। नाउ का फॉर्मूला क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम देता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे देता हूं मैं, ये फॉर्मेट चेंज हो गया। अब मुझे इसको स्लैश हटा के डैश करना है, तो आप इसको कर सकते हैं टेक्स्ट फॉर्मूले से, टेक्स्ट, और इसमें यूज करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग कि dd/mm/yy इस यहां पे स्पेस hh mm ss। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या आता है कि एक VVA में कैसे करेंगे इसको क्या? तो टेक्स्ट फॉर्मूला VVA में वर्क नहीं करता, लेकिन टेक्स्ट के जगह पे है फॉर्मेट। जैसा टेक्स्ट वर्क करता है वैसे हमारे पास फॉर्मेट का फंक्शन होता है, और फॉर्मेट का फंक्शन में देंगे नाउ ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड कॉमा अपना पाथ, ये जो अपना फॉर्मेट है वो फॉर्मेट दे देंगे। सर आप ये कह रहे हो कि जो अगर हमें डेट के नेम से ये फाइल सेव करनी है, हाँ हाँ, तो जिस समय फाइल सेव होगा वो चेक करेगा सिस्टम का डेट एंड टाइम, और उस डेट एंड टाइम पे फाइल को सेव कर देगा। सर ये चीज थोड़ा समझ नहीं आई, ये मतलब ये हम क्यों करेंगे, कोई फाइल है मुझे उस टाइम पे सेव करना है, आप ये कह रहे हैं? आप लोग अभी जागे जी, मनीष शुक्ला जी का सवाल ये था कि जैसे कभी कभी फाइल आप लोग डाउनलोड करते हैं, तो फाइल डाउनलोड करते समय वो फाइल का नाम, फाइल के डेट एंड टाइम, जैसे मैं ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, गो टू मीटिंग का वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरा वीडियो का नाम जो होता है वो इस फॉर्मेट में होता है, दिख रहा है आपको सर? हाँ जी, हाँ
तो उसी तरह से मान लीजिए कि कोई डंप डेटा में से किसी को डेटा मुझे भेजना है, तो मुझे उस डेटा का नेम जो है डेट के हिसाब से रखना होगा ना कि आज की डेट की फाइल है, इतने बजे की फाइल है। हाँ जी, हाँ हाँ। तो मान लीजिए कि मुझे एक डंप डेटा को, डंप डेटा में से किसी पर्टिकुलर डेटा को कॉपी पेस्ट करके किसी को भेजना है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हमें उस डेट एंड टाइम के नाम से फाइल क्रिएट करना होगा, तभी तो हम कॉपी पेस्ट करेंगे। हाँ जी, हाँ। हाँ, तो ये उस नाम क्रिएट करने का, फाइल क्रिएट करने का काम करेगा। कि ये क्या करेगा कि जब ये माइक्रो रन करेगा उस दिन और टाइम पे जो होगा उसके नाम से फाइल क्रिएट कर देगा, एक लोकेशन कहाँ, डी ड्राइव में, ताकि आगे कॉपी पेस्ट और बाकी चीजों का काम किया जा सके। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी। अब इसमें एक चीज हुआ कि हम एन परसेंट क्यों लगाया, तो बेसिकली टेक्स्ट ने हमें दिया सिर्फ क्या दिया, ए दिया। अब लेकिन मुझे पास चाहिए पूरा, जैसे कि इस तरह से /2019/ और साथ में एक्सटेंशन भी चाहिए .xlsx, जो कि तीन अलग लोकेशंस पे हैं। तो मैंने इन तीनों को एन परसेंट लगा के कंबाइन कर लिया, तो कंबाइन करने से क्या बन गया, कंप्लीट पाथ बन गया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो हमारा फाइल नेम है वो ऑटो जनरेटेड हो रहा है फंक्शन से, तो इसको इन्वर्टर कोमा के अंदर में नहीं रख सकते क्योंकि फिर रखेंगे तो फंक्शन हमारा परफॉर्म नहीं करेगा, इसलिए इसको इन्वर्टेड कोमा के बीच से हटा के और इसको कॉन्करेंट के पास किया गया। अब जो तीनों ये सब चलेगा तो चलते ही वो इस तरह का पाथ क्रिएट कर देगा, किसके लिए, आपके सेव एज के लिए। क्लियर है, किसी को डाउट? ठीक है, ओके। अब इसमें आगे बढ़ते हैं अगला ऑप्शंस की तरफ। अब अगला ऑप्शन में आता है कि हमने फाइल को क्रिएट कर लिया, अब मुझे फाइल को करना है सेव एज। मुझे सीखना है, मुझे करना है सेव एज, ओपन करना है फाइल को, तो यहां पे वर्क बुक्स डॉट ओपन, और ओपन में यहां पे हम पाथ देंगे जिस फाइल को ओपन करना है उसका पाथ, पाथ किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास एक ही एक्शन हो, पाथ में देखिए इसमें अपडेट लिंक, रीड ओनली फॉर्मेट, पासवर्ड, इस फाइल में हमारा पासवर्ड भी लगा है। समझ गए, तो पासवर्ड कैसे करें, तो आपको यहां पे कॉमा लगाइए, अभी अभी आपका हाईलाइट कौन है, फाइल एज स्ट्रिंग हाईलाइटेड है, और अब कौन हाईलाइटेड है, अपडेट लिंक, रीड ओनली फॉर्मेट और पासवर्ड। ये जस्ट लाइक आपके फॉर्मूले की तरह होता है कि जब एक्सेल की जो फॉर्मूले, ब्रैकेट नहीं है, हाँ, एक्सेल की जो फॉर्मूले लगाते हैं ना आप, जैसे मान लीजिए मुझे लगाना इफ फॉर्मूला, तो ये आपका लॉजिकल टेस्ट हाईलाइटेड है, आप जब कॉमा करेंगे तो ये आपका वैल्यू ऑफ ट्रू, अब कॉमा करेंगे तो ये आपका फॉल्स, वैल्यू ऑफ फॉल्स। उसी तरह से आपका ये इवेंट एक्शन भी होता है, इसमें जो डालना है डालिए, जो नहीं डालना है उसको स्किप कीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें को डालना जरूरी होता है, जैसे इसमें फाइल ओपन स्ट्रिंग जो है ये पाथ डालना जरूरी है, बाकी चीज डालना जरूरी नहीं है। आप बोलोगे सर पाथ डालना जरूरी है, आपको कैसे पता चल गया, तो आप गौर से देखिए कि अपडेटेड लिंक, रीड ओनली फॉर्मेट, पासवर्ड, ये जब जो चीजें दिख रहा है ये आपका इसमें है, बड़ी ब्रैकेट में, बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट में, समझ गए? ठीक है, लेकिन फाइल एज स्ट्रिंग जो आपका बड़ी ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है, मतलब कि जो स्क्वायर ब्रैकेट में वो ऑप्शनल है, ये आपका फॉर्मूले में भी सेम पार्ट था, याद होगा
आप लोगों को मैंने जब आप जो लोग मेरे साथ एडवांस एक्सेल किए होंगे उनको मैं बताया था कि ये आपका बड़ी ब्रैक है, इसके बगैर हम बाहर नहीं आ सकते क्योंकि हमारा रिक्वायर क्या है, लॉजिकल टेस्ट, इसको देना ही पड़ेगा। अब मैं वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स ना भी डालू फिर भी मैं बाहर आ सकता हूँ। उसी तरह से अगर आप अपने कोड में फाइल पास अगर आप देते हैं तो आपका वर्क करेगा, नहीं देते हैं तो एरर आएगा। इसके अलावा बाकी चीज नहीं भी देते हैं तो काम चलेगा, अगर उसमें मान लीजिए पासवर्ड है अगर नहीं डालोगे तो फिर वो पासवर्ड मांग देगा आपसे। ठीक है, तो ठीक है, अब बात करते हैं फाइल क्लोज करने का। तो अगर कोई ओपन फाइल को क्लोज करना चाहते हो एक्टिव वर्कबुक, अब देखिए एक्टिव वर्कबुक और एक्टिव वर्कबुक दोनों यूज कर सकते हो, बस वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, फाइल का एक्टिव है तो एक्टिव वर्कबुक यूज करो, नहीं तो जो यूज करना है वो यूज करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया वर्कबुक्स और वर्कबुक्स में यहाँ पे फाइल नेम बुक वन और फिर डॉट क्लोज। अब क्लोज करके छोड़ दोगे तो दिक्कत एक होगा, जैसे कि मान लीजिए आप डायरेक्ट फाइल क्लोज करते हो तो आपसे पूछता है ना डू यू वांट टू सेव, देखिए है ना, तो आपसे ये भी पूछेगा। अगर आपको सेव पे क्लिक करना है तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे स्पेस ट्रू, समझ गए, फॉल्स। अगर अनडॉन से पे क्लिक करना है तो फॉल्स। तो वर्कबुक क्लोज करने का यही होता है। तो हम वर्कबुक को क्लोज करते हैं, अब मान लीजिए कि फाइल जस्ट सेव करना है, कंट्रोल एस करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं।